हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज मैं आप सबको एक रहस्यमय कुंड के बारे में बताने जा रही हूँ। दोस्तों, ये दुनिया और इसमें छिपे अनगिनत रहस्य जो हमें चौंका देते हैं, हजारों रहस्य और उनमें छिपे राज जो हर कोई जानना चाहता है, फिर चाहे वो वैज्ञानिक हो या फिर कोई आम इंसान। भारत एक ऐसा देश है जहां आपको एक से बढ़कर एक मंदिर देखने को मिलेंगे। आपको बता दें कि हमारे देश में हजारों प्राचीन मंदिर मौजूद हैं, जिनमें से कुछ मंदिरों को तो रहस्यमय माना जाता है और यहां कुंड भी मौजूद है जिसके बारे में रहस्यमय कहानियां प्रसिद्ध हैं। तो दोस्तों, आज मैं आप सबको एक ऐसे ही कुंड के बारे में बताने जा रही हूँ जिसके पानी के स्रोत का कारण आज तक कोई भी नहीं जान पाया है। तो आइए जानते हैं इस चमत्कारी कुंड के बारे में। यह एक ऐसा कुंड है जिसके पानी की 3 बूंद पीने के बाद आपकी सारी प्यास बुझ जाती है और ऐसा लगता है जैसे आपने अमृत का सेवन किया हो। यह कुंड मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में है, जिसका नाम भीम कुंड है। इस कुंड के बारे में ऐसी मान्यता है कि महाभारत काल में जब अज्ञातवास के दौरान एक दिन पांडव यहाँ से जा रहे थे, तभी रास्ते में द्रौपदी को प्यास लगने लगी। द्रौपदी के बताने पर सभी पांडव आसपास पानी खोजने लगे, लेकिन कहीं भी पानी नहीं मिला। और जब कहीं पानी नहीं मिला, तब धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने अनुज नकुल को याद दिलाया कि उनके पास इतनी शक्ति है कि वह पाताल की गहराई में स्थित पानी की खोज कर सकते हैं। यह सुनने के बाद नकुल ने ध्यान लगाया। उसके बाद उन्हें पता चल गया कि पानी कहाँ पर है। अब यह तो पता चल गया कि पानी कहाँ है, लेकिन पानी कैसे मिले यह परेशानी खत्म नहीं हुई। फिर द्रौपदी को प्यास से तड़पता देख भीम ने अपनी गदा से पानी वाले स्थान पर जोर से वार कर दिया। उसके बाद गदा के प्रहार से जमीन में कई छेद हो गए, जिसमें से पानी धारा के रूप में निकलने लगा। माना जाता है कि भूमि की सतह से जल स्रोत करीब 30 फीट नीचे था। उसके बाद फिर युधिष्ठिर ने अर्जुन से कहा कि वह अपनी धनुर्विद्या की कौशल दिखाएं और जल तक पहुंचने का रास्ता बनाएं। तब अर्जुन ने अपने बाणों से जल स्रोत तक जाने के लिए सीढ़ियां बना दी। इन्हीं सीढ़ियों से द्रौपदी जल स्रोत तक पहुंच गई और पानी पीकर वापस आ गई। मान्यता है कि यह कुंड भीम की गदा से बना, इसलिए इसे भीम कुंड के नाम से जाना जाता है। यह भी मान्यता है कि भीम कुंड एक शांत ज्वालामुखी है। कितने सारे वैज्ञानिकों ने इसकी गहराई मापने की पूरी मुमकिन कोशिश की, लेकिन आज तक कोई भी कुंड के तल का भी पता नहीं लगा पाया। माना जाता है कि कुंड की 80 फीट की गहराई में तेज जलधाराएं प्रवाहित होती हैं। हो सकता है कि यह जलधाराएं इसको समुद्र से ले जाकर जोड़ती हो। आपको बता दूं कि वैज्ञानिकों के लिए आज भी भीम कुंड की गहराई एक रहस्य बनी हुई है। कितने लोग ये भी मानते हैं कि भीम कुंड में स्नान करने से आपकी त्वचा से संबंधित सभी बीमारियां भी ठीक हो जाती हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि अगर देश के ऊपर कोई भी बड़ा संकट आने वाला होता है, तो इस जल कुंड का जलस्तर अपने आप तेज गति से बढ़ने लगता है और यह संकट के आने की जानकारी देता है, और सामान्य दिनों में इसका जलस्तर सामान्य रहता है। आई होप आप सबको मेरी ये कहानी अच्छी लगेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।